दोस्तों, काली काली जुल्फों के फंदे मत डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। ये वर्डिंग्स है नुसरत फतेह अली खां के। काली काली जुल्फों के फंदे मत डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज लेकर आई हूं जिसका नाम है हैर तपस्या, और उसके बाद एक वर्ड है हर्ष वर्धिका। हैर माने तो बाल, आप जानते हैं। तपस्या याने कि बालों को संभालने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और हर्ष माने आनंद, खुशी, और वर्धिका माने बढ़ाने वाली, खुशी बढ़ाने वाली। दोस्तों, हर व्यक्ति की अलग अलग सोच रहती है। किसी को किसी की आंखें पसंद होती है, किसी को किसी की हाइट बहुत अच्छी लगती है, कहीं कहीं लोगों को ओवरऑल ब्यूटी अच्छी लगती है। और जो खास चीज एक नारी में देखी जाती है वो है बाल। तो आज हम बालों की तपस्या, जिस प्रकार एक ऋषि मुनि एक कैपेसिटी, एक पावर, एक शक्ति तक पहुंचने के लिए सालों साल तपस्या करते हैं, उसी प्रकार बालों की, स्किन की और हेल्थ की एक तपस्या होती है जिसे आपको जिंदा रहने तक ख्याल रखना पड़ता है, अदरवाइज वो बीमार हो जाती है। हम देखते हैं हर नारी को अच्छे बाल बहुत पसंद होते हैं। नारी को तो पसंद है, लेकिन वो अपनी बेटियों के लिए भी वैसे ही लंबे खूबसूरत बाल चाहती है। लेकिन बाहर घूमना, हवा के झोंके, गर्मी, पसीना, इन सारी चीजों से बाल बहुत खराब हो जाते हैं, रूखे, सूखे और बीमार। यानी कि रिजल्ट रहता है बालों का ना बढ़ना और गिरना। हमने देखा है पुराने काल में भी बालों के लिए द्रौपदी जी, सीता जी, उनकी लंबी केशभूषा का जिक्र कितनी सारी जगह किया जाता है। तो उसी प्रकार यह लंबे बालों की जरूरत या अहमियत हम कहेंगे बॉलीवुड में तो है ही, लेकिन हॉलीवुड में भी लंबे बालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्लोगन, कहा जाता है इंग्लिश में, A man will forget handbag of a woman, but he will never forget beautiful hair of a woman, because with beautiful hair she looks beautiful. दोस्तों, आपने देखा है कि काजल फिल्म का गाना जो राजकुमार और हेलन के ऊपर फिल्माया गया है, ये ज़ुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा,
ये रात के तन्हाई सवर जाए तो अच्छा, ये तो दोस्तों बालों की बहुत अहमियत है, हमारे लिए तो है लेकिन हमारे चाहने वालों के लिए बहुत है। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगी कि किस प्रकार ये हर्ष वर्तिका द्वारा मैं अपने कस्टमर को, क्लाइंट्स को एडवाइस देती हूँ कि किस प्रकार आप अपने बालों का ख्याल रखें। बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। सबसे पहली बात, बालों को रोज पानी से धोए, ना कि शैम्पू या फिर कंडीशनर से, सिर्फ पानी से। जब आप पूरी तरह साफ करना चाहते हो बालों को तो उसे डेटोल के साबुन से धोए, जो हमेशा जम्स निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक बात है कि आपको रोज जितनी हो सके उतनी पानी डाल डाल के छाछ पीनी है। उस छाछ में आप अच्छी तरह से जीरा पाउडर मिलाइए, सिर्फ जीरा पाउडर। तीसरी बात है कि आप बालों की कंघी, मैं तो कहूंगी बिल्कुल ना करें, सिर्फ हाथों से अपने धोए हुए बालों को पूरी तरह सुलझा लीजिए और हल्का सा ऊपर से कंघी करें या ऊपर ऊपर से बालों को। मैं इसलिए आपको ये कहना चाहती हूँ फॉर अ सेकंड कि वॉश करते हो तो बाल तो बहुत उलझा जाते हैं, लेकिन आप बालों की कंघी करोगे तो जो भी आपके बाल बहुत नाजुक हो चुके हैं उससे वो सीधे कंघी में आ जाएंगे या नीचे गिर जाएंगे। तो आप चाहते हो कि बहुत सारे बाल जो बीमार है वो नीचे गिर जाए। यदि आप कंघी नहीं करेंगे और परवरिश करेंगे तो वो जो नाजुक बाल है उन्हें मजबूत बनने का मौका मिलेगा। और एक बात ये कहना चाहूंगी कि रोज आप कुछ मेथी के दाने पानी के साथ सुबह शाम जब भी वक्त मिले तब ले सकते हो। मेथी के दाने बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ कि पतला सा काला रील आता है उसमें से एक लंबा काला धागा काट लीजिए। उस लंबे धागे के दोनों एंड्स ऐसे पकड़ लीजिए और उस आपको जितना लंबा चाहिए उस धागे की तरफ देख के बोलिए कि मेरे बाल इस धागे की तरह काले, घने, लंबे और मजबूत है। जैसे जैसे ये बात आपके ध्यान में रह जाती है फिर आप इमेजिन कीजिए और आपका जो ये हाथ है प्यार भरा। जब भी आप बाल बनाते हो, आईने में देखते हो, कहीं भी आते जाते दिन में 4-5 बार तो आईना हम औरतें देख ही लेती है, हाथ घुमाते हुए बोलिए मेरे बाल काले, घने, लंबे और मजबूत हैं। हाथ घुमा के हम क्यों बोले,
आप सोचते होंगे उसे क्या फर्क पड़ेगा, बोल तो दिया, अभी क्या है। मैं यहाँ आपको ऐसा एक एग्जांपल देती हूँ, समझिए। आपका बच्चा है, थोड़ा बहुत बीमार है, थोड़ा सा कहीं कहीं कभी कभी हैंडीकेप होता है। तो पहले बीमार बच्चे के बारे में कहेंगे, या हमारे घर में कोई और भी बीमार है, तो हम उसके सर पे अपना प्यार भरा हाथ बार बार रखते हैं और ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, थप थपाते हैं, जिससे सामने वाले बीमार व्यक्ति को बहुत सुकून मिलता है। उसी प्रकार यही भाषा आपके बाल भी समझते हैं। आपने देखा होगा, आपने खुद वैसा किया होगा कि आप मंदिर में जाते हो तो एक पत्थर की मूर्ति रहती है, उस पत्थर की मूर्ति के ऊपर उसके सामने आंख से आंख मिला के आप बात करते हो अपने मन की, और निकलने से पहले वहां से आप उस मूर्ति के चरण स्पर्श करना चाहते हो, तभी भी आप कुछ बोलते हो। तो वो बात क्यों करते हो आप? क्योंकि आपको पता है कि आपके मन की यही बातें उन तक आप पहुंचा सकते हो। इसी प्रकार यदि आप बालों को भी अपना प्यार भरा हाथ लगा के बोलेंगे, ये उसकी तारीफ होगी कि मेरे बाल काले, घने, लंबे और मजबूत है, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात ये है कि जो सूर्यदेव है वो आपकी स्किन, बाल, हेल्थ वगैरह के देवता है। तो सूर्यदेव की पूजा आप किसी भी प्रकार कर लीजिए, गायत्री मंत्र बोल के कर लीजिए, या फिर आप कहिए ओम सूर्याय नमः सिर्फ, या फिर ओम ग्रीनी सूर्याय नमः, कैसे भी करिए पर करिए, वो आपको बहुत मदद करेगा। अंत में मैं कहना चाहूंगी, क्यों अंत लाल लाते हैं हम, उसके पहले कुछ और स्लोगन हो जाए। वेक अप फॉर मेकअप, वेक अप फॉर मेकअप। मेकअप माने बाल सवारना भाई, भले हम चेहरे का मेकअप ना करें, वेक अप फॉर मेकअप एंड wake up for makeup and beauty is the spirit and makeup is an art. Last point से पहले आपको और एक बात बताती हूँ, बहुत अच्छी बात है। English में कहते हैं no excellence is possible, no excellence is possible without long and beautiful hair. It can perish a man, it can collapse a man, or it can make pieces of a man. तो और एक पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है, आपको खाने में ज्यादा से ज्यादा सलाद और फ्रूट का आहार लेना है। गरम मसाले टोटली बंद कर दीजिए। ये सारे पॉइंट्स जो आपको मैंने बताए वो है हर्ष वर्धिका के लिए, हेयर तपस्या के लिए। तो ऐसा कहा जाता है इंग्लिश में, इन्वेस्ट इन हेयर, इन्वेस्ट इन हेयर। व्हाई इन्वेस्ट इन हेयर भाई, हम तो हमेशा
प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कभी भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, व्हाई टू इन्वेस्ट इन हेयर? बिकॉज विदाउट ब्यूटीफुल हेयर हाउ विल यू लुक ब्यूटीफुल? अभी मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मेरे इसी हर्षवर्धिका का इफेक्ट क्या रहा। आप देखिए, ये मेरा फोटो है, ये जो फोटो है उसमें मेरे बाल कैसे हैं? बॉय कट है कि नहीं? यहाँ पर मैं और एक फोटो आपको मेरा दिखाऊंगी, ये है, ये मेरा फोटो है जिसमें मैं हूँ विथ बॉय कट हेयर, एंड इट इज ओनली बिकॉज माय हेयर वाज फॉलिंग लाइक एनीथिंग, एंड हाउ आई कुड रिकवर माय हेयर फॉल एंड आई कुड मेक इट ब्यूटीफुल एंड हेल्दी हेयर, दैट आई विल शो यू डेफिनेटली जस्ट नाउ विद इन फ्यू सेकंड्स। यदि हम बालों की सुरक्षा करेंगे तो हमारी ब्यूटी भी मेंटेन होगी, और ब्यूटी मेंटेन हुई तो आप खूबसूरत लगने ही वाले हो। बहुत बार हम लोग अच्छे नहीं दिखने की वजह से या बाल गिरे हुए दिखने की वजह से हम थोड़ा सा लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, और ये सारी चीजें हेल्थ हेयर और स्किन उसका ख्याल आपको जिंदगी भर रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू हैव नाइस हेयर। यहाँ हम आपसे कहेंगे कि देख लीजिए हमारे बाल क्या है, दिखाती हूँ भाई, थोड़ी तो धीरज रखिए क्योंकि ये राज आपके सामने खोलने से पहले इसकी ब्यूटी भी तो दिखनी चाहिए भाई। ये देख लीजिए हमारे बाल, जो आपको लगेंगे कि ये बॉय कट से कितने गुने अच्छे हो गए। अभी हम इसे पीछे लेके आपको दिखाएंगे, ये देख लीजिए हमारे बाल, सच्चे वाले बाल है ये सप्लीमेंट्री के बगैर के। तो दोस्तों, हम आपसे एक और शेयर करना चाहेंगे। एक शायर ने लिखा है कि एक प्रेमी अपनी माशुका से पूछता है कि चांद निकलता है कैसे। समझो आपको पूछ लिया ऐसा सवाल, आप क्या जवाब देंगे भाई? सोचो सोचो, नहीं समझ में आया? चलो हम बताते हैं कि उस माशुका ने अपने प्रेमी से किस प्रकार जवाब दिया। माशुका ने अपने जुल्फों को रुख पे डाला, झटका दिया और कहा यू। और एक बार सुन लीजिए, नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से पूछा, चांद निकलता है कैसे भाई? तो प्रेमिका ने, माशुका ने जवाब दिया किस प्रकार, अपने बालों को रुख पर डाला, झटका दिया और कहा। तो दोस्तों, हम इसी प्रकार हर्षवर्धिका में सिर्फ मैं देती हूँ दो मिक्सचर, और वो दो मिक्सचर से यही ब्यूटी हमने क्रिएट की है बालों की। तो आपको भी इसी प्रकार की चीजें की जरूरत है तो मेरा कॉन्टेक्ट कीजिए। मेरा ईमेल आईडी है harshagundala@gmail.com, और बेलजो टीवी पर
इस वीडियो को देखने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर में जाके, और फिर यदि नहीं होती है डाउनलोड तो आप गूगल पे जाके टाइप कीजिए belzo.tv। विदा होने से पहले और एक बात कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, अपने बालों का पूरा ख्याल किस प्रकार करोगे और क्यों करोगे, क्योंकि प्रेमी कहता है चेहरे पे मेरे जुल्फों को फैलाओ किसी दिन, चेहरे पे मेरे जुल्फों को फैलाओ किसी दिन, क्यों रोज गरजते हो बरस जाओ किसी दिन, चेहरे पे मेरे जुल्फों को गिराओ किसी दिन, क्यों रोज बरसते हो, क्यों रोज गरजते हो, क्यों रोज गरजते हो बरस जाओ किसी दिन।